अस्पताल हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू जी भैया। जैसे कि करोड़ों दिलों का आप राज करते हैं बतासा चाचा के नाम पे, और बतासा सीरीज के जो है बतासा चाचा लागा हुआ बतासा के बाद, अब बतासा 12 हसीना के साथ आ रहे हैं, मतलब दिन दिन जो है जो ख्वाहिशें हैं बढ़ती गई, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं नहीं बिल्कुल खुशी होती है। यात्रा शुरू हुई 2005 में चलत मुसाफिर मोहली ओरे से, फिर वो बतासा हिट हुआ निरहुआ रिक्शा वाला में, फिर बतासा के नाम से कई फिल्मों में किरदार आए, फिर बतासा बनी, फिर बतासा चाचा बनी, फिर लागल रहा बतासा बनी, अब जो लागल रहा बतासा 2 भी बनने वाली है, एक बतासा 12 हसीना बन रही है, तो फिर अच्छा है, मज़ा आता है। और हम हमेशा अच्छी फिल्म ही बनाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी फिल्म हो, ज़्यादा किसी को तकलीफ भी ना हो, लोग इंजॉय भी करें, मज़ा भी लें और मनोरंजन भी हो उनका। लागल रहा बतासा एक बात करें तो उसका क्लाइमेक्स बड़ा दिल को छू लेता है, एक ही ख्वाहिश आपकी पूरा होती है। जी जी, यहाँ 12 हसीना है, क्या ख्वाहिश पूरा करेंगे आपकी? मैं लागल रहा बतासा के बारे में पहले बोलना चाहूँगा, मैं धन्यवाद देता हूँ आम्रपाली को, उन्होंने हमारी फिल्म को एक्सेप्ट किया, और वो करेक्टर और वो किरदार का जो क्लाइमेक्स है उस फिल्म का, वो मेरे दिल के बेहद करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बार मैं देखता हूँ वो उतनी बार नया लगता है, और उस सिनेमा को कितनी सफलता मिली और कितनी सफलता नहीं मिली, मैं इसको कभी भी उसके अच्छे या बुरे होने से नहीं मापता। मैं बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि बहुत ही क्लास का सिनेमा बनाया था आलोक ने और संजीव कुशवाहा ने, आलोक ने डायरेक्ट किया था, लिखा था मैंने, और हमारे सारे एक्टर उसमें जितने हमारे दोस्त थे, विनोद मिश्रा, प्रकाश जैस, महेश आचार्य, दिलीप पांडे, आनंद मोहन, संतोष श्रीवास्तव, ये सब लोगों ने जी जान से मेहनत की, केके गोस्वामी जी ने, और वही मज़ा वही इंजॉय इस सिनेमा में लोगों को मिलेगा 12 हसीनाओं के साथ। लागल रहा बतासा में जो क्लाइमेक्स लेकर जो मोहब्बत की एक परिभाषा आपने जी, मोहब्बत की पराकाष्ठा थी वो, बड़ी पवित्रता थी उस मोहब्बत में, अश्लीलता नहीं था, उसका कहना ही था कि मोहब्बत के प्रेम की पराकाष्ठा में जाने के बाद भी हम उसे अश्लील नहीं कर सकते, उसने चूमा भी तो माथे को चूमा, दरअसल उसके अंदर गंदगी थी ही नहीं, वो मोहब्बत करता था, वासना नहीं, वासनात्मक रूप से उसने देखा ही नहीं था, तो यार वो तो कमाल की चीज़ है, मुझे लगता है एक संदेश गया दर्शकों में। लेकिन सर लास्ट में जो है ना जो कैरेक्टर को जो है वो गिरा देते हैं और दुनिया से खुश कर जाता है अपनी मोहब्बत, दूसरा कोई रास्ता नहीं था उसे, जिसके लिए वो जी रहा था, जब वो नहीं मिली तो शायद ठीक है, एक इतिहास रच के चला गया वो। अब 12 हसीना किस तरह इतिहास रचेगी? अब देखिए इसमें मेहनत किया जा रहा है, 12 हसीनाएं जो हैं वो हैं तो नहीं, लेकिन सब मेहनती लड़की हैं, खूब मेहनत कर रही हैं, डायरेक्टर भी मेहनत कर रहा है, और मज़ा आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा अच्छा। ये भी जहाँ तक जानते हैं आप और सुना जाता है कि नए कलाकारों को आप काफ़ी सिखाते हैं, तो आपको मेहनत भी करनी पड़ती है? ऐसा नहीं है, देखिए सब बेचारे मेहनत करके आते हैं, हम कोई बहुत गुणी आदमी नहीं, हम तो खुद ही सीख रहे हैं, हमारे थिएटर का जो अनुभव होता है, जो मिल बांटते हैं उसमें कुछ किसी को मदद मिल जाती है तो किया जाता है उसमें। थिएटर एक फिल्म में जो है इतना बड़ा स्थान हासिल करने के बावजूद आप थिएटर से अभी भी जुड़े हैं और थिएटर से सबको जोड़ने की भी कोशिश करती है जी। एक्चुअली क्या, थिएटर ही पृष्ठभूमि है, थिएटर ही धरती है, जो फसल उगाना है आपको वो समझ लीजिए वो बंजर धरती को उपजाऊ बनाने का माध्यम है, वो खाद समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए वो थिएटर है, हम जो कुछ हैं थिएटर की वजह से हैं, और थिएटर हमारी कमजोरी है। मैं सबको बोलता हूँ अपने जीवन में 2-3 साल तो थिएटर कर ही लो, तो थिएटर के बगैर तो मैं अधूरा हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा थिएटर करता रहूँगा। मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे इसके हैं हेमराज जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया और पैसा लगा करके हमारे ऊपर उन्होंने रिस्क लिया कि नहीं हम बतासा चाचा को ही हीरो लेंगे, तो ये बड़ी बात है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भावनाओं पर हम खरे उतरे। शूटिंग कहाँ कहाँ होगी, कब तक दर्शकों? शूटिंग जो है यहीं पर लखनऊ में हो रही है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में इसको लोग देख पाएंगे। अगले कौन कौन फिल्म आप दर्शकों के लिए? अगली अभी तो बहुत सारी फिल्में हैं, गबरू है और जानलेबू का हो, और कम से कम बंसी बिरजू, हमको लगता है 15-20 फिल्में हैं जो कि आने वाली हैं हमारी अभी दर्शकों के बीच में। जानलेबू का हो जो आपके को स्टार अक्षरा जी ने जिसके साथ आपका काफ़ी अच्छा अच्छा सीन रहा, अब वो बिग बॉस में चले गए हैं तो कितना मिस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैं तो शुरू से ही उसका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, बहुत अच्छी लड़की है,
और हिम्मती है, उसने अपने मेहनत के बल पर, अपने जज्बे पर एक जगह बनाई। तमाम उतार चढ़ाव देखा उसने, बहुत सारे लोगों ने गिराने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाई जरूर लेकिन संभली। और उसके माँ बाप जो है वो विपिन भैया और नीलिमा जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अपने बच्चे को संभाला और वो नाम रोशन कर रही है, आज नेशनल टीवी पर है, वो बिग बॉस में जीत कर आएगी, मेरा पूरा विश्वास है। जो खेल में क्या कहना चाहिए, कमाल का खेल रही है, चाहिए ही खेल, मैं उसको यहीं से बोल रहा हूँ, कमाल जा रही हो तुम। कर ही नहीं है, यूपी बिहार को बिल्कुल प्रेजेंट कर रही है, और क्या, और बड़े गर्व के साथ कर रही है, फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे, एक टैग दे दिया उसने। आप भी बिग बॉस में देखेंगे कभी, ऐसा तो है नहीं कि मुझे बुलाया और मैं नहीं गया। देखेंगे, बुलाएंगे तो जाएंगे। अपने फैंस और दर्शकों से कहूँगा बस ऐसे खाली मोहब्बत बनाए रखे, हम आपको हंसाते रहेंगे, लव यू। शिवम जी आपका हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार सर, आप सभी का सर। जी सर, बात करें आज हम कहाँ पे हैं और कौन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। आज हमें लखनऊ में चिन्हट के पास शूट कर रहे हैं हम लोग। ये फिल्म का नाम है एक बताशा बारह हसीना, जिसमें मनोज टाइगर जी हैं मेन में और उनके साथ बारह हसीनाएं हैं, और उसी में एक बहुत ही अहम करेक्टर है जो मेरा है। जी, तो आपके साथ कितनी हसीनाएं हैं? अब मेरे साथ कितनी हसीनाएं हैं ये तो अभी तक सस्पेंस है, क्योंकि अभी पूरी फिल्म सस्पेंस पे चल रही, किसी को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसके साथ कौन सी हसीना जाने वाली है। तो मनोज टाइगर जी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना सीखने को मिल रहा है, जो कि करोड़ों दिलों पे बताशा चाचा के रूप में राज करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मनोज सर के साथ फिल्म शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छे एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो बहुत ही कोऑपरेटिव भी हैं, और मुझे क्या है कि ऑन स्क्रीन वो बता भी रहे हैं कि कैसे चीज़ों में मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे इससे। तो आपकी और मनोज जी की ट्यूनिंग कैसी है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन? अभी तक जितना भी काम हुआ है हम लोग का जो इस मूवी में, उसमें ऑन स्क्रीन जैसा है लोगों ने तो तारीफ ही करी है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है जो मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूँ, और लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है लोगों को हम लोग के बीच में। सो इस जो फिल्म है एक बताशा बारह हसीना है, इसके बारे में कुछ बताइए। एक बताशा बारह हसीना, तो बारह हसीना बारह हीरों के समान है, और बताशा वैसे भी एक तरह से मीठा, बताशा बोलते ही मुंह में मिठास घुल जाती है, तो वैसे ही हमारी प्यारी प्यारी हीरोइनें हैं जिनको देखते ही आँखों से एक रोशनी निकलती है, बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो अनामिका जी, आपका ये पहली फिल्म है, अपना डेब्यू है बताशा जी के साथ, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अनामिका तिवारी है और मैं भी लखनऊ से ही हूँ, और ये मूवी मैं बताशा जी के साथ कर रही हूँ, और इसके लिए मैं अपना भाग्य जो भी कहिए मैं, और उनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ, और मेरी पहली मूवी, मेरी लाइफ का पहला जो स्टेप है वो बताशा जी के साथ, तो मतलब मैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ, मैं इतनी खुश हूँ, और ये मूवी वाकई बहुत अच्छी है, और हमें मौका मिला इस मूवी में काम करने के लिए, और हेमराज सर ने जो इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उन्होंने स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है, और मैं बाकी बहुत कुछ तो इस मूवी के बारे में नहीं बता सकती बिकॉज सस्पेंस है, तो जब ये मूवी प्लेटफॉर्म पे आएगी तो धमाल मचाएगी। ये आपकी दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म आपकी सारी जी याद कर चुके हैं, लिट्टी चोखा। जी मैम, इस फिल्म को लेकर आप कितनी एक्साइटेड हैं? जब मेरे पास इस सर ने कॉल आया तो उन्होंने बोला एक बताशा बारह हसीना, तो मुझे जो फिल्म का टाइटल है ना, तो मुझे इतना प्यारा लगा, और जब मुझे सुनने को मिला बताशा जी है तो और भी अच्छा लगा। मैं बताशा जी के साथ पहले भी वर्क कर चुकी हूँ, तो बहुत मज़ा आएगा सर के साथ काम करने में, और एक बताशा और बारह हसीना बहुत भारी पड़ने वाली है सर पे। मैं भी बताना चाहूँगी, मेरा नाम राखी जायसवाल है, और बताशा जी के साथ में मैंने एज आ 5-6 मूवी किया है, और कई में तो मैं उनकी वाइफ का करेक्टर किया है, और जितना अच्छा उनका नेचर है, जितना अच्छा उनका व्यवहार है, उससे ज़्यादा अच्छा उनका दिल से, वो बहुत ही अच्छे हैं और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। कहीं भी कोई भी सेट पे या कुछ भी सीन नहीं समझ में आता है तो वो बहुत अच्छे से उस सीन को क्रिएट करके बता देते हैं हम लोगों को, जिससे समझने के लिए आसानी रहती है।
हेमराज क्रिएशन ने जो है ये जो मूवी जो अपने बैनर तले लेकर के आए हैं, हेमराज जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर भी हैं और हमें फर्स्ट टाइम एक खुले अच्छे से जगह पे, और ये जो एक मूवी में कहते हैं ना कि एक लीड होती है या दो लीड होती है, उससे ज़्यादा लीड नहीं होती है। तो हेमराज जी एक नारी प्रधान कहते हैं, नारी शक्ति के को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सोचा कि नारी शक्ति की जहाँ पूजा होती है, नारियों को जहाँ आगे सम्मान दिया जाता है, क्यों ना नारियों को ही हम सम्मान दें। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और इस कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने में उनका जो योगदान है महिलाओं की शक्तियों को आगे दिखाने का, उनके विभिन्न रूप को दिखाने का, एक लीड नहीं, दो लीड नहीं, 12 लीड 12 हसीना। अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। मेरा कैरेक्टर बहुत चुलबुला है और एक माँ का भी कैरेक्टर है और एक कहते हैं कि थोड़ा सा चालाकी भरा हुआ, और मैं पंडिताइन का कैरेक्टर कर रही हूँ, तो देखने से लग रहा होगा कि मैं पंडिताइन हूँ। और पंडिताइन क्या करती है, थोड़ी सी लालची भी होती है, थोड़ा काम निकालने वाली भी होती है और काम चलाने वाली भी होती है। तो आप लोग देखिए, और आप मीडिया वालों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया और हमें आपसे रूबरू करने का मौका दिया। थैंक यू। ये फिल्म कब तक देख पाएंगे और शूटिंग कहाँ कहाँ हो रही है? ये फिल्म अभी तो बनी रही है और पोस्ट प्रोडक्शन होने के बाद में ये आपको 2022 में देखने को मिलेगी, जनवरी फरवरी में, नए साल पे। मनोज जी जो बतासा चाचा का रोल प्ले कर रहे हैं और रियल में बतासा चाचा के नाम से फेमस है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे एक बतासा होता है बस वैसे ही, मीठे से, कुरकुरे से, प्यारे से और अपने आप में बहुत सब कुछ समाये हुए। बतासा जी बहुत ही अच्छे इंसान है और सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस को वो बहुत ही सम्मान भी देते हैं, वो सभी इंसानों को सम्मान देते हैं और कभी भी जो भी काम करते हैं उनको भी वो बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम काम कर रहा है तो जैसे कि इनको खुद पता है कि ये फर्स्ट टाइम कर रही है, उनको कितना ज़्यादा जो है आगे बढ़ करके, जो बड़ा को स्टार होता है अपने छोटे को स्टार को जब कोई चीज़ सिखाता है ना तो वाकई में धमाल होता है। बिल्कुल। मेरा नाम डॉली गुप्ता है। आप क्या कहना चाहेंगे मनोज जी के बारे में? सर मनोज जी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और सर मतलब कि सेट पे ऐसे रहते बिल्कुल फैमिली जैसा, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग किसी सीनियर आर्टिस्ट के पास हम लोग बैठते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जी। नमस्कार, प्रणाम, मैं काजल पांडे, भोजपुरी एक्ट्रेस, और सबसे पहले तो आपको ढेर सारा प्रणाम कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे सेट पर आए हैं। और मूवी का नाम है एक बतासा 12 हसीना, और उस सेट पे आप आए इंटरव्यू के लिए तो मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि हमने आपके बारे में काफ़ी सुना था और आज आपसे मुलाकात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बात करें जैसे एक हसीना, एक बतासा 12 हसीना, और बतासा जाहिर सी बात जो करोड़ों दिनों पे राज करते हैं जी 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 बतासा चाचा जी, तो उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं, पहली बार आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए, कितना एक्साइटेड है और किस तरह से पूरी शूटिंग में एंजॉय हो रहा है? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मूवी को भी लेके, और दर्शक भी हैं, और ये मूवी बहुत ही कॉमेडी, सैड और एक सस्पेंस है इस मूवी में कि एक बतासा 12 हसीना तो ऐसा क्या है कि जिसके लिए हेमराज जी हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा है और प्रोड्यूसर भी हेमराज वर्मा जी हैं जिसके राइटर भी हैं, तो उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट ही लिखा है एक बतासा 12 हसीना। और मैं मनोज जी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, उनके साथ काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कोऑपरेट कर रहे हैं, और उनकी मूवी जैसे आई थी लागल रहा बतासा, तो ये एक बतासा 12 हसीना है, हेमराज जी ने सोचा है कि हम कुछ और अच्छा करें, दर्शक को दिखाएं कि हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉमेडी परिवार के साथ बैठ के हम लोग ये पिक्चर देख सकते हैं। मेरा कैरेक्टर एक सपना नाम का है, सपना नाम की पंडित की लड़की हूँ मैं, और इसमें राशियाँ होती हैं और मेरी भी एक राशि है, जैसे 12 लड़कियाँ हैं तो सबकी एक एक राशि है, उसी हिसाब से मेरी भी एक राशि है। इस मूवी में अब आप देखिएगा कुछ सस्पेंस है, वो आपको सडनली समझ में आएगा मूवी देखने के बाद कि मैं इसमें क्या कैरेक्टर कर रही हूँ। तो
मनोज टाइगर जी के साथ कितना रोमांस कर रही हैं आप? अभी तो 4 दिन हो गया मैं सेट पे, हमारी 16 अगस्त से शूटिंग स्टार्ट हुई है और आज 4th दिन है मेरा। अभी गाने भी शूटिंग होने वाले हैं और सीन्स भी अभी स्टार्ट हुए हैं हमारी, तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी रोमांस भी है, फनी है, कॉमेडी है। इसमें मेरा और उनका कैरेक्टर ऐसा है कि मैं उनसे प्यार नहीं, मैं उनसे बार बार गुस्सा करती हूँ, एंग्री करती हूँ, लास्ट में प्यार होता है। मनोज जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ सेट पे जाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम फर्स्ट टाइम सर के साथ काम कर रहे हैं। मिली तो मैं काफ़ी पहले भी हूँ उनसे, लेकिन पहली बार जब मुझे मौका मिला कि मनोज जी हैं तो मैंने सडनली हाँ बोला, क्योंकि मैंने उनकी लागल रहा बताशा मूवी देखी थी और उसमें आम्रपाली जी थी, तो मुझे भी एज द लीड इस मूवी में उतारा गया है, तो मैं अपनी पूरी मेहनत करना चाहती हूँ और बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करूँगी मैं। जैसे भी आपने कहा कि लागला बतासा आम्रपाली जी थी, तो कहीं कहीं आपने जो फिल्म देखा है तो अपने आप को आम्रपाली जी से कंपेयर करते हैं या वो उनके जैसा कुछ इस फिल्म में कंपेयर नहीं कहा जा सकता है। एक हमारा एक ड्रीम है कि हम भी बहुत अच्छा करें, अच्छा काम करें। आम्रपाली जी तो मेरी इंप्रेशन है और उनसे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे लागल रहा बताशा मूवी मैंने कई बार देखी है और कई बार उस मूवी में देखने का ये मैंने कोशिश किया कि ऐसा क्या है जो वो मूवी इतनी फेमस हुई, तो हम लोग भी चाहते हैं कि लागल रहा बताशा जैसी मूवी थी वैसे एक बताशा 12 हसीना भी हो और दर्शक इसको बहुत सारा प्यार दें और जाएं। जब अभी तो शूटिंग चल रही है, हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे इसे रिलीज़ करने की। अच्छा लग रहा है काम करके बहुत। इसके अलावा आप और आपने और क्या क्या वर्क किया है? सर इसके अलावा मैंने अभी ये मेरी 6वीं मूवी है, इसके अलावा मैंने दूल्हा मिल दिलदार किया है और उसके बाद भोजपुरिया में दम बाय हेमराज जी के मूवी मैंने एक सॉन्ग किया है। मेरी 3rd मूवी बबुआ भेल रंगबाज जो कि सितंबर में रिलीजिंग है और उसके बाद अभी जस्ट हाल ही में मैं अयाज जी के साथ अपोजिट थी और उनके साथ मैंने काम किया है, एज अ हीरोइन लीड थी मैं उसमें। और बलमुआ नदिया के पार भी बहुत जल्दी काम चालू है एडिटिंग का, तो बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे जिसमें संग्राम सिंह पटेल, प्रतिष्ठा ठाकुर और मैं और अयाज जी लीड में थे, सभी लोग। बहुत ही अच्छी मूवी है और ये मेरी मूवी। इसके बाद लागल रहा बतासा और हाल ही में मैंने 2-3 मूवियाँ साइन की है, मैं कंटिन्यू काम करने की कोशिश कर रही हूँ। आप कहाँ से और फिल्म में कैसे आना हुआ? मैं सर मुंबई से हूँ और मेरा जो गांव है वो आजमगढ़ है। मूवी में आना हमें एक सपना था कि लोग हमें जाने, मैं अपना अच्छा काम करूं और अपने आप को बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करूं एज द हीरोइन। और पापा का सपना था कि मैं हीरोइन बनूं, तो मैं हीरोइन बनना चाहती हूं। अपने फैंस और ऑडियंस से क्या कहना चाहती हूं? फैंस और ऑडियंस से यही कहना चाहती हूं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आज यहां हूं। मैं चाहती हूं आने वाले समय में आप लोग बहुत सारा प्यार, सम्मान, सपोर्ट करें अपनी प्यारी काजल पांडे को और बहुत अच्छा मुकाम मैं हासिल करूँ आप लोगों के प्यार से। थैंक यू सो मच। सीओन जी बात करें, अब तो ये हो गई एक बताशा, लोग बताशा के पिताजी जो बने हुए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बताशा के पिताजी बहुत ही अच्छे हैं, जैसा उनका नाम है ना वैसा ही उनका स्वभाव और वैसा ही करेक्टर है। जैसे कि उनका नाम है सुनील दत्त पांडे, तो जैसे संजय दत्त के पिताजी थे सुनील दत्त, एकदम वैसा ही उनका लुक भी उसी तरीके से जाता है और बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज जी। और आपको दो दो गार्जियन मिल गए हैं? नहीं नहीं, इस सेट पे मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने अच्छे अच्छे सीनियर एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और मैं चाहूँगा कि दर्शक भी मेरे काम को देखें और सराहें। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो उनके बारे में? ये फिल्म हेमराज क्रिएशन के बैनर तले बन रही है, जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हेमराज वर्मा जी हैं, जो कि बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और अभी जल्दी उन्होंने इंडस्ट्री में अपने आप की एक अच्छी छाप छोड़ी है। जैसे एक फिल्म उनकी भोजपुरिया में दम्बा आने वाली है और उसी के साथ इन्होंने ये दूसरी फिल्म स्टार्ट की है। और जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो मुझे पता नहीं था कि भाई वो डायरेक्टर हैं कि प्रोड्यूसर हैं, बट उन्होंने मुझे देखते एक ही चीज़ बोली कि एक फिल्म कर रहा हूँ, एक बताशा 12 हसीना, जिसमें आपको मैं एक बहुत ही अच्छा करेक्टर दे रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। इसके अलावा और कौन कौन फिल्में आपकी आ चुकी हैं और आने वाली फिल्में कौन सी? फिल्में अभी मार्केट में बात करें तो अभी रिलीज़ मेरी कोई नहीं है, लेकिन अभी ये आने वाले अक्टूबर नवंबर में मेरी 2 फिल्मों के ट्रेलर आ रहे हैं, जिसमें से एक दूल्हा ऐसन चाही है, एक का नाम है प्रेम रोगी, और अभी एक प्रेम की पूजा फिल्म का मुहूर्त हो चुका है जो जल्दी इसी के बाद शायद शूट स्टार्ट होगा उसका।
अपने फैंस और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस और दर्शकों से सिर्फ हाथ जोड़कर इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने इस भाई को बहुत ही प्यार और आशीर्वाद दें, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और भोजपुरी का नाम रोशन कर सकूँ। भाई योजनाएं क्या है और आगे चल के अपने आप को कौन किस स्टार के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे? देखिए, किसी स्टार से कंपेयर करना तो ये मेरे लिए खिलाफ होगा, क्योंकि मैं भाई सबका अपना अपना एक क्वालिटी, अपना अपना एक टैलेंट है और सब में एक अपनी ही यूनिक छाप होती है। क्योंकि दर्शकों को क्या है कि सबकी अलग अलग एक्टिंग है, सबके अलग अलग फ़ैन हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि एक मेरी भी ऐसी पहचान बने कि दर्शक मुझको मेरे कैरेक्टर से, मेरे रोल से मुझको जाने। और बाकी मेरा ये है कि अगर दर्शकों का प्यार यूं ही मिलता रहा मुझको, तो आने वाले टाइम पे ये मेरा वादा है दर्शकों से कि भोजपुरी में एक अच्छा नाम होगा मेरा और भोजपुरी को मैं एक अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। और परिचय जानना चाहेंगे नाम के साथ? जी, मेरा नाम सुनील दत्त पांडे है और सबसे पहले मैं अपनी मीडिया और अपने दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप हैं तो हम जैसे कलाकार हैं। जी जी, अब तक आपका सफर फिल्मी कैसा रहा? कब से आपने करियर शुरुआत किया? अब तक कितनी फिल्में आप कर चुके हैं? इसके फिल्मों में आने से पहले आप क्या क्या करते थे? जी, फिल्म में आने से पहले मैंने 17 साल आर्मी में नौकरी किया, उसके बाद मैंने टाटा में 21 साल नौकरी किया, उसके बाद से फिर मैं जो है फिल्म लाइन में आ गया। चूँकि मेरा ये बचपन का ड्रीम था, सपना था कि मुझे ये पूरा करना है, तो मैं फिल्म लाइन में करीब 6-6.5 साल हो गया मुझे जुड़े हुए और अब तक करीब मैं 40-45 फिल्में कर चुका हूँ। आज जिस फिल्म का सेट पर हैं इसके बारे में जानना चाहेंगे? इस फिल्म का नाम है एक बतासा 12 हसीना और इसमें जो है मनोज टाइगर जी हैं जो बड़े प्यारे से हैं और उनका नाम है बतासा चाचा, प्यार से कहा जाता है उनको। तो उनके पिता का कैरेक्टर मैं इस फिल्म में कर रहा हूँ। यूँ तो वो मुझे अपने बड़े भाई के जैसे मानते हैं, बड़ा भाई समझते हैं, तो मुझे बड़ा ये एक फीलिंग हुई कि मेरा एक जो बड़ा भाई होता है वो एक पिता के समान ही होता है और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैं उनके पिता का रोल कर रहा हूँ इस फिल्म में। और बड़ा कॉमेडी रोल है और मेरा भी जो रोल है इनके साथ में कॉमेडी है, बड़ा झुझलाया हुआ सा रहता हूँ इनको लेके, क्योंकि ये 12 हसीनाओं के चक्कर में हैं और मैं जो है बार बार इनसे जो है उलझता रहता हूँ। जी, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो उनके बारे में क्या कहना? इसके डायरेक्टर जो हैं वो हेमराज जी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया इंसान हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। और जब उन्होंने मुझे बताया कि पांडे जी आपको हम मनोज टाइगर जी के पिता के कैरेक्टर के लिए फाइनल करना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मनोज टाइगर जी भी एक मुझे लगता है लमसम 400 फिल्मों के करीब कर चुके हैं, तो उनके पिता का कैरेक्टर करने का मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हेमराज जी जो हैं इनका भी स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया इंसान है, पूरी यूनिट को लेकर बहुत अच्छी तरह चल रहा है, बहुत अच्छी तरह शूटिंग चल रही है। शूटिंग कहाँ चल रही है? शूटिंग अभी तो मैं कल आया हूँ यहाँ पर, तो कल मेरे 3 सीन हुए हैं और इस समय मैं टाटा मोटर्स लखनऊ जो है उसके बगल में जो होटल है एमजी होटल, उस होटल में हूँ और इस होटल से अभी फ़िलहाल जो शूट चल रहा है मुझे लग रहा है कि 10 से 12 किलोमीटर के एरिए में हम लोग इस समय शूट कर रहे हैं। जी, तो शूटिंग का माहौल कैसा है? जो 12 हसीनाएं हैं बताना चाहेंगे, 12 हसीना में कौन हसीना आपको ज़्यादा पसंद आई है? किसका काम ज़्यादा अच्छा लगा? हाँ, ये पूछिए। देखिए क्या है कि मैं कल आया हूँ अभी और कल ही मेरा 3 सीन हुआ है, अभी आगे मेरा शूट बाकी है। तो ये तो तय है कि फिल्म का नाम है एक बतासा 12 हसीना, तो चूंकि कॉमेडी फिल्म है और जितने भी ये बच्चियाँ हैं मेरे लिए तो बच्चों के समान हैं, ये सभी हीरोइन हैं जितने भी हैं, तो ये लोग बड़े अगल बगल में ही हैं, मेरे रूम के आसपास में ही उनका भी रूम है, तो बड़े अच्छे लोग हैं और बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। और शूटिंग जो हो रही है बहुत बढ़िया हो रही है और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ एक ये लगी कि शूटिंग जो की जा रही है बड़ी प्रॉपर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से की जा रही है शूटिंग, ये एक जो है बड़ा अच्छा लगा मुझे। और बड़े अच्छे माहौल में, बड़े शांत माहौल में, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई हौच पौच नहीं और बड़ा अच्छी तरह शूटिंग चल रही है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से इस फिल्म को लेकर? दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दें
कि भोजपुरी फिल्में ऐसी होती हैं वैसी, ना आप देखिए ना इस फिल्म को, ये फिल्म का नाम ही देखिए कि एक बतासा बारह हसीना, इसमें पूरी कॉमेडी है, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। और मेरे दोस्तों आप लोग ये फिल्म ज़रूर देखिएगा, फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, बहुत बढ़िया बन रही है, कॉमेडी बन रही है, आप अपने माँ अपनी बहन अपने भाई अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ बैठ के इस फिल्म को देख सकते हो, बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। आपकी आने वाली फिल्मों की बात की जाए और कौन कौन फिल्म आप शूटिंग करने वाले हैं? देखिए मैं अभी इधर थोड़ा अपने पर्सनल कुछ कामों की वजह से मैंने थोड़ा सा, मैं 4-6 महीने से करीब फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा सा काम कम कर रहा था, लेकिन अभी मेरे पास 3 फिल्में हैं और मेरी अभी मार्केट में करीब 9 फिल्में हैं जो कि आने वाली मेरी फिल्में हैं, और अभी मैं ये कर रहा हूँ इस फिल्म को, इसके बाद से मेरी कुशीनगर में अगली फिल्म है, फिल्म का नाम विशेष कारणों नहीं बता सकता हूँ अभी, तो उसको करना है, उसके बाद से फिर मेरी एक फिल्म अक्टूबर में है, तो अभी मेरे पास 3 और 1-4 फिल्में हैं अभी जो मुझे करनी है फिल्में, और जो मेरी आने वाली फिल्में करीब 9 फिल्में हैं अभी जो मेरी रिलीज होने वाली फिल्में हैं। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बार फिर मैं अपनी मीडिया और अपने दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.